वेलकम बैक बच्चों। हम लोग 5.3 कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। 5.3 का मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बता दिया था, ठीक है। सो वीडियोस मैंने आपको पिछले दिए था। अब एक्सपोनेंट स्टार्ट करेंगे आज, ओके। एक्सपोनेंट न्यू चैप्टर, ठीक है। व्हाट इज एक्सपोनेंट पहले समझ लो, एक्सपोनेंट होते क्या है। एक्सपोनेंट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स, ठीक है। और दे आर एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स, दे कैन बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म, दैट शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कई बार आप लोग करते हैं 5 × 5, ठीक है। तो 5 × 5 × 5 कितनी बार है, 3 times है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 5 to the power 3। याद रखिएगा जब लिखते हैं, ठीक है, आपका जो लाइन है हमेशा याद रखिएगा, जब 5 लिखेंगे आप तो 3 हमेशा 5 से छोटा होगा और ऊपर होगा। ऐसा कभी मत लिखिएगा, अदरवाइज दिस विल बी 53, नॉट 5 to the power 3। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, 5 to the power 3। और दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, 5 raised to 3, ठीक है। या दो 3 और 2 के लिए एक है, आप लोग जानते हो, है ना। इसको पढ़ते हैं 5 square। जब पावर 2 हो तब, ठीक है, याद रखिएगा पावर 2 हो तो 5 square पढ़ेंगे, पावर 3 होगा तो 5 cube, ओके। क्यूब मीन्स आपके वाला क्यूब, मेरा क्यूब देखे हो ना, आप लोग खेलते हो सांप सीढ़ी वगैरह कुछ गेम्स खेलते हो, वहां पे रहता है ना क्यूब छोटा सा। स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर, 2D मॉडल, ठीक है। तो स्क्वायर क्यों है, इसका जब आप एरिया निकालोगे तो a × a 2 बार आता है ना। इसमें क्या आता है, a × a × a 3 बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे a क्यूब, यहाँ पे a स्क्वायर। तो ये 5 square पढ़ेंगे, 5 to the power 2 को, 5 to the power 3 को 5 cube पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ भी रहा, ठीक है, बाकी कुछ भी रहेगा उसको आप क्या पढ़ेंगे, 5 to the power और 5 raised to, या जो भी नंबर रहेगा वहां पे उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितने भी बार मल्टीप्लाई हो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट एज 3 to the power 5। लिखने के समय हमेशा याद रखिएगा, लिखने का तरीका इसका अलग है। जब भी हम पावर लिखते हैं तो जो पावर वाला नंबर है, जो एक्सपोनेंट है, वो थोड़ा सा छोटा और ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। जैसे आप कुछ उठाते हैं, तो आपके लेवल में बराबर कोई छोटी सामान उठाते हैं, आपके हाइट से आधा या छोटा हो तो ऊपर में रखते हैं ना उसको, ठीक है, ऊपर तक उठाएंगे। जैसे मैं पेन पकड़ रहा हूँ, पेन मेरी बराबर थोड़ी है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, है ना। कोई चीज उठा के ले जाऊंगा तो मैं ऐसे उठा के ले जाऊंगा, ऐसे पकड़ूंगा, है ना, ऐसे पकड़ के ले जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ले जाऊंगा नीचे, तो ऊपर रखूंगा।